याद रखो, जो रियल मैन होगा, रियल रियल, जितनी भी लड़कियां सुन रही हैं, रियल जो मैन होगा शादी से पहले कभी टच नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये बाइबल मेरी है, ये मेरी बाइबल है, मुझे पता है ये मेरी है, मैंने खरीदी है, मेरी है, मैं इसको कैसे भी पढ़ूं, आगे से पढ़ूं, पीछे से पढ़ूं, अभी थोड़ा सा पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, मुझे इसको देना नहीं है, मुझे इसको देना नहीं है, बिकॉज ये मेरी है। अब ये एक बुक है, ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है। अब मुझे पता है फटाफट 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 मुझे पढ़नी है ये, क्योंकि ये मेरी नहीं है, मुझे रिटर्न करनी है, जितना हो सके यूज कर, स्क्रीनशॉट ले ले, फोटो ले ले, नोट्स बना ले, मेरी नहीं है, ये मेरी है, ये मेरी है। सेम लाइक दैट, जो रियल मैन होगा ना, वो कभी आपको यूज नहीं करेगा, उसको पता है मेरी से शादी होगी, ये मेरी वाइफ होगी, उसको पता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने कौन सा ऐसा शादी करनी है, जितना हो सके यूज कर ले इसको, वाइफ थोड़ी है। आई होप आज आपको समझ आ रही है प्यार और व्यभिचार क्या होता है। हालेलुया, बाहर आ जाओ, वासना प्यार नहीं हो सकता, वासना और प्यार में डिफरेंस करना सीखो। जितनी लड़कियां इमोशनल हो जाती है, मेरे लड़का पाक ये है वो है, परखो, परमेश्वर ने आपको परखने की स्पिरिट दी है, परखो, जो अगर आपको अपना मानेगा वो डायरेक्ट आपकी फैमिली में जाएगा और मैरिज की बात करेगा, जो अगर सिर्फ यूज करने आया आपको वो यूज करेगा और जाएगा। क्यों लड़कियां डिप्रेशन में जाती हैं, क्यों लड़कियां रोती हैं, उसने मुझे यूज किया, अरे आपने मौका दिया है ना, आपको अपने शरीर की कदर नहीं है। जब परमेश्वर ने आपको कहा है कि अपनी आत्मिक आके खोलो खोलो खोलो, तब तो आपको वासना नजर आ रही है और आपको वासना प्यार नजर आ रहा है, तो क्यों रोती हो बाद में, क्यों प्रेयर लाइन में खड़े होते हो फिर। जो रियल मैन होगा वो टाइम पास नहीं करेगा, डायरेक्ट आपके घर आएगा और शादी की बात करेगा, दैट्स इट, फिनिश फिनिश। पर जिसने टाइम पास करना है वो फालतू की बातें करेगा, अभी एक साल रुक जाते हैं, थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं, थोड़ा सा प्रेयर में बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा प्रेयर कर लेते हैं, मेरे भाई ये प्रेयर नहीं होगी फिर, ये थोड़ी दूसरी लेवल की प्रेयर होगी जिसमें तुम पाप करोगे। हालेलुया, जितने भी यंगस्टर्स मुझे देख रहे हैं, अपनी वर्जिनिटी खराब मत करो, यू आर नॉट अ डॉग, यू आर अ ह्यूमन बींग, कुछ तो इज्जत करो अपने शरीर की, कुछ तो इसकी इज्जत करो, कुछ तो वैल्यूएबल अपने आप को समझो, जानवर छोड़ियो, जानवर छोड़ियो आप, अरे मत चलो, मत सुनो, मत सुनो मेरी भी, इसकी थोड़ी तो इज्जत करो कि यार मैं जानवर थोड़ी हूं जो थाई थाई मुंह फाड़ता फिरता हूं, या थाई थाई किसी के भी साथ सोती फिरती हूं, मैं जानवर थोड़ी हूं, मैं इंसान हूं, मैं इसी की शर्म कर लो। शायद आपका ईमान जाग जाए आज इस वीडियो को सुनने के बाद। हालेलुया, अगर ये मैसेज आपको छू रहा है ना, तो खुदा आपसे बात कर रहा है, और शर्म मत करना कभी भी एक्सेप्ट करने में कि यस खुदा ने मुझसे बात की, आज मैं डिलीवर्ड हूं इस पाप से। कभी शर्म मत करो, खुदा आपको डिलीवर्ड करेगा आज। शर्म मत करना अपने पाप की तौबा करने में। हालेलुया, आज से जब भी आप कोई लड़का ऑफर दे या कोई लड़की, मैं लड़कों को भी बोल रही हूँ, हर लड़की आपकी वाइफ होने के लिए नहीं बनाई गई है। हालेलुया, अपनी बॉडी की इज्जत करो, इस ब्यूटी की, इस जिंदगी की, ये प्रिशियस है, खुदा ने अपनी जान दे के मोल लिया है आपको, क्या कुत्तों से अपने आप को कंपेयर करते हो, कुत्ते नहीं हो आप। मैं ऐसे लोगों को जानवर बोलती हूँ जो लड़के लड़कियों को यूज करते हैं, यूज, शादी हो गई है फिर भी जवान लड़के चाहिए, जवान लड़कियां चाहिए, कुत्ते हो आप, आपको आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हालेलुया, कर रहे हो अगर ऐसे पाप, आज बाहर आ जाओ,
और अगर आज इस मैसेज के बाद आपको पता लग रहा है कि आप अगर किसी ऐसे रिलेशन में हो जो प्यार के नाम पे वास है, लीव।